हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चेतनाज किचन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल सी और बिल्कुल देसी तरीके से आज की ये नई रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे देसी टिंडे की सब्जी, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होती है और बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। सबसे हटके होती है टेस्ट में और बनाने में भी बहुत ही आसान होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी। तो मैंने यहाँ पे आधा केजी के करीब यहाँ पे ये टिंडे लिए हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं और कच्चे भी हैं। इस टाइम क्या है, मार्केट में बिल्कुल कच्चे टिंडे मिल जाते हैं जिनकी सब्जी बहुत टेस्टी बनते हैं, क्योंकि इसके अंदर बीज नहीं है और वाइट वाला पार्ट हम इसके अंदर ही रखेंगे जो बहुत अच्छा टेस्ट देगा। तो मैंने टिंडों को कट कर लिया, आप देख पा रहे होंगे वाइट वाला पार्ट मैंने साथ में ही रखा है, क्योंकि बिल्कुल कच्चे थे, बीज नहीं थे इसके अंदर, थे तो भी वो बिल्कुल छोटे छोटे थे, उनको साथ में ही रख लेंगे। बहुत अच्छी बनती है सब्जी इनकी। कुकर के अंदर बना लेती हूँ ताकि फटाफट बन जाए बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो मैं कुकर के अंदर ऑयल डाल दिया, ऑयल को अच्छे से गर्म होने के बाद में एक चम्मच के करीब जीरा डाल देंगे, और जीरे का कलर चेंज होने के बाद में हम इसके अंदर डालेंगे दो कटे हुए प्याज, दो से तीन कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे, कर लेंगे अच्छे से फ्राई प्याज को और हरी मिर्ची को, अच्छा सा कलर चेंज होने देते हैं प्याज का, थोड़ा सा ब्राउन कलर का, और जब तक प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं तब तक हमें इनको फ्राई करना है। उसके बाद में हम इसके अंदर हमारे टिंडे डाल देंगे, और ये देखिए अच्छे से इनको करेंगे अच्छे से फ्राई। फ्रेंड्स, पार्टियों में भी ये सब्जी बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बिल्कुल वैसे ही हम घर पे भी बना सकते हैं, और वो भी बिल्कुल आसान से तरीके से और बहुत ही कम सामान में। मैं इसके अंदर खड़े मसाले वगैरह यूज़ में नहीं ले रही हूँ, क्योंकि इनके बिना सब्जी टेस्टी ही बनती है, वैसे ज़्यादा अच्छे भी नहीं होते हैं खड़े मसाले, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप जीरे के साथ ऐड कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे टिंडों को अच्छे से फ्राई कर लिया है, और थोड़ा सा लगभग एक से डेढ़ मिनट तक हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम डालेंगे इसके अंदर दो कटे हुए टमाटर, और टमाटर को कर लेंगे अच्छे से मिक्स, और गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम ही रखेंगे। मैं यहाँ पे जो जितने भी प्रोसेस करती हूँ मीडियम फ्लेम पे ही रखती हूँ गैस को। इससे क्या होता है, सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, सबसे सीक्रेट बात होती है ये। तो मसालों में देखें तो नमक डालेंगे सबसे पहले टेस्ट के अकॉर्डिंग, एक चम्मच के करीब डालेंगे धनिया पाउडर, एक चम्मच ही मैं डालूंगी यहाँ पे इसके अंदर लाल मिर्ची पाउडर, और आधी चम्मच के करीब डालेंगे हल्दी पाउडर, और कर लेंगे अच्छे से फ्राई। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी चीज़ों को अच्छे मिक्स कर दिया है, और सभी चीज़ें अच्छे से कोट भी हो चुकी है, सभी मसाले टिंडे के हर पीस के साथ अच्छे से कोट हो चुकी इसके साथ अच्छे से कोट हो चुके हैं। तो बस सभी चीज़ें हमारी इसके अंदर आ चुकी हैं। बारी आती है लहसुन के पेस्ट की, तो वो भी डाल देंगे इसके अंदर, थोड़ा सा साथ में पानी भी डाल देंगे। तो ये देखिए पानी डालने के बाद में और लहसुन के पेस्ट को भी कर देंगे अच्छे से मिक्स, और यहाँ पे आप चाहो तो गैस का फ्लेम हाई कर सकते हो। हाई फ्लेम पर हमने सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है, और अब हम डालेंगे इसके अंदर पानी। जितने भी आपको ग्रेवी चाहिए आप उतना पानी डाल लीजिए, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि ज़्यादा पानी से ग्रेवी अच्छी नहीं बन पाएगी, थिक नहीं बन पाएगी। तो मैंने इसके अंदर टोटल एक गिलास पानी डाल दिया है, और पानी को कर देंगे अच्छे से मिक्स, क्योंकि ग्रेवी वाली सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, और मेरे घर में भी ग्रेवी वाली सब्जी ज़्यादातर बनती है, क्योंकि उसी को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बस कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं, और सिर्फ दो ही सीटी लगवाएंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी गल जाती है। बहुत कच्चे टिंडे होते हैं ना, वो बहुत जल्दी पक भी जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो सीटी के बाद में कुकर का ढक्कन ओपन कर दिया, और ये देखिए हमारी बिल्कुल देसी स्टाइल में और बिल्कुल सिंपल से तरीके से टिंडे की सब्जी बिल्कुल तैयार है खाने के लिए, वो भी ग्रेवी वाली। आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, सबको बहुत पसंद आएगी और बच्चों को भी बहुत अच्छी लगेगी। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को करना सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आने वाली हर वीडियो का एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि कैसी लगी मेरी ये सब्जी की रेसिपी, और बनाने का तरीका भी कैसा लगा, पसंद आया या नहीं। और ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।